तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड से किसी भी यूपीआई ऐप्स में अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम एप्लीकेशन, अमेजन पे, तो बहुत ही आसान से दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास उनका एटीएम कार्ड उनके पास नहीं होता है, जिनके वजह से वो यहाँ पर कोई भी यूपीआई ऐप्स के अंदर अकाउंट को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप यूपीआई ऐप्स में अपना न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे दोस्तों यहां पर बैंक अकाउंट को लिंक करना है, यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, साथ ही यहां पर पैसे को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सारा कुछ प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिए दोस्तों। तो आप भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो तो सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप भी यहां पर अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, और लाइक करने के बाद दोस्तों देखते तो यहां पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बगल में बेल का आइकन आएगा, उसको यहां पर दोस्तों ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस भी यूपीआई ऐप्स में आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, भीम एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जो कि सारे एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, डिजिटल वर्जन का। सिंपली से आपको यहाँ पर सबसे पहले जाकर आपको उस यूपीआई ऐप्स को अपडेट कर लेना है। न्यू वर्जन में दोस्तों यहाँ पर लिंक से अगर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर 100 रुपीज का स्टैंड आपको कैशबैक मिल जाता है फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन पे। तो सिंपली से लिंक से जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो आपके यहाँ पर यूपीआई ऐप्स के अंदर यहां पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों। तो यहां पर सिंपली से आपको लिंक पर क्लिक करना, लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आपको यहां पर जिस भी ऐप्स के अंदर यहां पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो उस ऐप को यहां पर डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखते हो यहाँ पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम एप्लीकेशन, सारा कुछ शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी भी में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो आपको सेम प्रोसेस को इसी सभी एप्लीकेशन के अंदर आपको कंप्लीट करना है, जिसकी मदद से दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर यूपीआई ऐप्स के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोन पे के अंदर आप नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड के। तो चलिए यहां पर सिंपली से आपको क्या करना है कि फोन पे ऐप पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। सिंपली से आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट से लिंक है दोस्तों। तो चलिए यहां पर मैं सिंपली से रजिस्टर मोबाइल नंबर यहां पर डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, इंटर स्टॉप 5 डिजिट, यहां पर ऑटोमेटिक से यहां पर वेरिफिकेशन होगा, और यहां पर फोन पे अकाउंट यहां पर देख सकते हो आपका ऑटोमेटिक से लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको यहां पर क्या करना, परमिशन देना, फिर से आपको परमिशन देना, फिर से आपको परमिशन देना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों देख सकते हो यहां पर अगर आप न्यू यूजर हो दोस्तों तो यहां पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली देख सकते हो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा दोस्तों, सिंपली से आपको चेक बैलेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने बैंक अकाउंट आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, साथ ही यहाँ पर कुछ नीचे बैंक आपके नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। अगर आपका बैंक यहाँ पर शो नहीं हो रहा, सिंपली से आपको उस नेम को यहाँ पर सर्च करना। जैसे कि अगर कैनरा में यहाँ पर आपका बैंक है तो कैनरा यहाँ पर सर्च करना। तो इस तरह से दोस्तों जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा, और आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि दोस्तों अगर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, जिसमें भी आप आधार कार्ड से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहां पर सिंपली से अपना बैंक अकाउंट यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, सिंपली से पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है कि जो भी आपका यहां पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है दोस्तों, सिम 1 में लगा हुआ है, सिम 2 में, वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना। चलिए मेरा सिम 1 में लगा हुआ, सिंपली से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करूंगा दोस्तों, उसके बाद फिर से आपसे परमिशन मांगा, अलाउ कर देना, प्रिपेयरिंग टू एसमेंट, इस तरह से प्रोसेसिंग होगा दोस्तों। तो आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना दोस्तों। देख सकते हो फाइंडिंग अकाउंट लिंक भी इतना है, आपको यहां पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक से वेरीफाई होगा और आपका बैंक अकाउंट यहां पर लिंक हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो यहां पर अकाउंट एडेड सक्सेसफुली आपको शो हो रहा होगा और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हो यहां पर आपका बैंक का सारा डिटेल्स देखने को मिल रहा होगा, साथ ही यहां पर दोस्तों देख सकते हो यूपीआई पिन एग्जिस्ट फॉर
दिस अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आप न्यू यूजर हो तो यहाँ पर आपको सेट पिन का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो मेरा यहाँ पर पहले से यूपीआई पिन सेट है तो यहाँ पर मुझे रिसेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप न्यू यूजर हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम में सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। दो ऑप्शन आ रहे होंगे, आधार नंबर लिंक विथ बैंक अकाउंट, यहाँ पर डेबिट कार्ड का, दो ऑप्शन दिख रहा हूँ दोस्तों। तो आधार कार्ड से आप अगर आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो सिंपली आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका फोन पे या आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इंटर द फर्स्ट सिक्स डिजिट ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर का फर्स्ट सिक्स आपको यहाँ पर डाल देना। तो चलिए मैं फटाफट से आधार कार्ड का फर्स्ट सिक्स डिजिट यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपली से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आधार ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर दा। फिर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा जो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक का जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ओटीपी ऑटोमेटिक आ चुका। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक पे क्लिक करना। जैसे टिक पे क्लिक करोगे तो सेट सिक्स डिजिट यूपीआई पिन का आपको ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिक्स डिजिट का यूपीआई पिन आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली से सिक्स डिजिट का यूपीआई पिन यहाँ पर सेट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपली से टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कंफर्म सिक्स डिजिट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको फिर से सेम डिजिट को यहाँ पर डाल देना जो कि आपने प्रीवियस में यूपीआई पिन सेट किया दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपली से आप देख सकते हो नीचे में टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको टिक पे क्लिक करना। जैसे टिक पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगा और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने फोनपे में आधार कार्ड के वजह से पिन सेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर करना सीखना चाहते हैं तो सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना। बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको ट्रांसफर मनी का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों आप पैसे को आसानी से यहाँ पर इसके द्वारा आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले टू कॉन्टैक्ट टू अकाउंट यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर दोस्तों अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से कर सकते हो और अकाउंट नंबर पर करना चाहते हो तो अकाउंट नंबर पर कर सकते हो। तो सिंपली से पैसे ट्रांसफर करने के लिए टू कॉन्टैक्ट पर चलिए मैं सिंपली से क्लिक करता हूं और जिसे भी मैं यहां पर ट्रांसफर करना चाहता हूं उसका यहां पर मोबाइल नंबर या नाम आपको सर्च करना अगर आप में सेव है तो दोस्तों। अगर सिंपली से मैं जिस नंबर पर ट्रांसफर करना चाहता हूं वो नंबर मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं दोस्तों। टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं नीचे में इंटर अमाउंट और चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली से आपको क्या करना है कि यहाँ आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप जितना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हो उतना अमाउंट आपको टाइप करना। चलिए मैं 10 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं 10 रुपीज़ यहाँ पर टाइप करता हूँ और पे पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे पे पर क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यूपीआई पिन। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आपने यूपीआई पिन अभी सेट किया उस यूपीआई पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से उस यूपीआई पिन को यहां पे डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपका जो पेमेंट है दोस्तों सक्सेसफुली यहां पर सामने वाले नंबर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आधार कार्ड की मदद से यहाँ पर फोन पे में नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे में जिन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कमाल की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए बाय बाय, टेक केयर।